हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर झुलसा। पूरा मामला बांदा शहर के अलीगंज रामलीला मैदान में नूतन बाल समाज शताब्दी समारोह बीती 30 तारीख से 9 सितंबर तक मनाया गया। इस समारोह में लगाए गए टेंट का पूरा भुगतान लेकर ठेकेदार टेंट खोलने के लिए अपनी लेबर लगा कर चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप टेंट खोल रहा मजदूर ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे तुरंत नूतन बाल समाज व मोहल्ले वालों ने मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा। मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टर ने परीक्षण कर हालत नाजुक देख कानपुर रेफर किया। घायल के भाई ने बताया कि ये हमारे चाचा के लड़के हैं, इनका नाम गोपाल सिंह है। हम लोग मध्य प्रदेश के भोपाल के पास के रहने वाले हैं। हमारे पास इलाज के लिए रुपए नहीं है, जिस पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, जीतू मुमताज अली व नूतन बाल समाज द्वारा 30,000 रुपए की मदद दी गई। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। भैया ये कौन सा मोहल्ला है और ये कौन सा भवन है? ये गणेश भवन। अच्छा, अलीगंज कुंडी चौरा। अच्छा भैया, ये क्या घटना हुई है यहाँ पर? वो लड़का पता नहीं कैसे हुआ कि पर्दा खोलते हुए फॉल्ट हुआ तो नीचे गिर गया, चिपक के। तो एक लड़का गया, हिला रहा है, फिर वो नीचे उतर आया। जब वो है निकला तो इसके बाद वो जो है ऑटोमेटिक नीचे गिरा, तो पूरा जला हुआ था। उसको फिर रिक्शा करा के तुरंत ओके दिया। तो ये कितने हज़ार वोल्ट की लाइन है? ये 11,000 की बताते हैं, 11,000 की है जो बिजली विभाग जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक त्रिपाठी जीतू। आज ये जो घटना हुई है किस जगह पे हुई है और क्या घटना हुई है? ये 31 तारीख से और 9 तारीख तक नूतन बाल समाज का शताब्दी समारोह था, और 9 तारीख की रात समापन के बाद जो टेंट और जो भी जितने भी लोग लगे हुए थे उन्होंने अपना अपना पेमेंट लिया, और नूतन बाल समाज के द्वारा उनका काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने अपना 10 11 12 13 आज अपना टेंट उतार रहे थे, तो उसमें इसकी लापरवाही है ठेकेदार की है कि जो उतार रहा था उसकी है, तो उसकी वजह से उसको करंट लग गया, जिसको नूतन बाल समाज के और मुमताज भाई शहर के तमाम लोग यहाँ पर आकर मेडिकल कॉलेज में उसको पैसा भी मुहैया कराया गया है। तो अपनी ओर से, जबकि ठेकेदार को रहना चाहिए था यहाँ पर, जिसने कांटेक्ट लिया था, रात में ही उसने 1 बजे रात में पूरा पैसा ले लिया, और उसके बाद भी नेग्लिजेंसी अपनी लापरवाही के कारण यह घटना घटी, जिसके लिए वही ठेकेदार दोषी है। हमारे समाज ने और अलीगंज क्षेत्र के वासियों ने भरपूर मदद किया है, दूसर बाल समाज के लोगों ने मदद किया। 15,000 रुपये कितना अमाउंट उसको दिया गया है? कितना अमाउंट दिया गया उसको? टोटल अमाउंट अभी 30,000 रुपया लोगों ने करेक्शन, जिसमें 15,000 नूतन बाल समाज ने, 10,000 मुमताज भाई ने, और 5,000 दिया। इस प्रकार 30,000 रुपया दिया गया है। और अभी इसको लड़के को कहां पर रिफर किया गया है? मेडिकल कानपुर में भेजा गया है, और उसका जो है वो जाएंगे, उनके परिवार के लोग आएंगे और ठेकेदार आएगा। लड़का कहाँ का रहने वाला था? अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो ठेकेदार के द्वारा लाया गया है।